समय बहुत बलवान होता है, और राजनीति में या आम जीवन में आदिकाल से अब तक देखें तो सबसे बलवान समय होता है, और समय की नब्ज को जो समझ लेता है वो वैतरणी पार कर लेता है। जो इस चक्र को नहीं समझ पाता है वो उलझन में रहता है। उत्तर प्रदेश में वक्त की नज़ाकत और समय को कुछ लोगों ने समझा, नेताओं ने। 4 लोग आज मंत्री बने उत्तर प्रदेश में। ओम प्रकाश राजभर, नाम जुड़ा होगा आपने, दारा सिंह चौहान, अनिल सुनील, एक RLD से हैं, एक दारा सिंह जो। अच्छा, ये समय इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सपा बसपा भाजपा, सपा बसपा भाजपा करते करते अंत में वक्त की नज़ाकत देखिए, तस्वीर आपके सामने है, मंत्री बन गए। तो ये समझ रहे हैं खेल और उसी हिसाब से प्ले कर रहे हैं वक्त की नज़ाकत। समय बलवान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समय निरपेक्ष होता है, वो किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं होता है। समय चल रहा है उसके साथ, उस धारा में जो आ गया वो आगे बढ़ जाता है। तो उसके बहुत सारे कारक होते हैं जो उसको बनाते रहते हैं, बिगाड़ते रहते हैं। 2024 के संदर्भ में एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग पिछले कुछ दिनों से हो रही है, लगातार आवाजाही चल रही है। बड़ा मुश्किल होता है याद रख पाना कि कौन इस समय किस पार्टी में है। अब अर्जुन मोड़वाड़िया ने छोड़ा और अब BJP में शामिल हो गए। कलकत्ता में हाई कोर्ट के जज साहब ने तो ऐलान कर दिया कि 7 तारीख को BJP ज्वाइन करेंगे। वहाँ TMC जो सत्ताधारी दल है उसके भी एक नेता नाराज चल रहे, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब अनुमान लगा सकता हूँ, माहौल देखते हुए कह सकता हूँ कि वो भी हो सकता है BJP ज्वाइन करें। बनारस में राजेश मिश्रा पूर्व सांसद रहे हैं, वो भी आ गए हैं। अब ये मैं वक्त की नज़ाकत को समझूं कि ये लोग नब्ज पकड़ रहे हैं या वक्त के साथ चल के अपना जीवन सुधार रहे हैं, ये जो भी है, लेकिन हो रहा है राजनीति में। तो जब ये तमाम घटनाएं क्रम होते रहते हैं, 2024 के आसन्न चुनाव मेरे ख्याल में 40-50 दिन बाद मतदान शुरू हो जाएगा, वैसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो दो ध्रुव हैं इस समय चुनाव के, एक इंडिया गठबंधन और एक NDA गठबंधन, इनकी स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे समझा जाए। BJP तो अपना मतलब ज़बरदस्त तरीके से एक एक वोट पुख्ता करने में लगी हुई है। चाक चौबंद मामला होना चाहिए, UP में कोई छूट है ना, अगर 100 वोट भी हैं और वो ज्वाइन करना चाहे BJP तो स्वागत है। इंडिया में जो लोग हैं इंडिया गठबंधन में, वो छोड़ के जा रहे हैं, क्या डर है पता नहीं, या किस लिए छोड़ रहे हैं ये भी पता नहीं मुझे। ऐसे में तमाम जो सर्वे आ रहे हैं, मैं अलग अलग चैनल्स पर अलग अलग एजेंसीज के सर्वे आ रहे हैं, जो एकदम ताज़ा सर्वे है वो 370 पार ले गया है NDA को, सबसे लेटेस्ट वाला, तो वो उसने काफ़ी बढ़ा दिया है सर्वे की, यहाँ तक जा सकती स्थितियाँ। आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि जो खेल चल रहा है पूरे देश में इस समय राजनीति का, वो किस करवट बैठेगा 2024 में। इस्लाम नाज अपने शो का नाम भी चुनावी गपशप रखा है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हो रही, तो एक पर फोकस कैसे करा जाए। परिवारवाद की भी बात चल रही है, मोदी जी पे निजी हमले चल रहे हैं, आवाजाही लगी हुई है, कौन कब चला जाएगा पता नहीं है मुझे। अब हो सकता भी शो के दौरान ही कोई एक आध घटना ऐसी हो जाए कि फलाने जी ने जोड़ गया चले गए, कोई राज्य ऐसा नहीं जहाँ पे ये सब कार्यक्रम न चल रहा हो। तो इसी को समझते हैं वरिष्ठ विद्वान पत्रकारों से, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत लंबे समय तक ज़मीनी पत्रकारिता की है, और मुझे दिलचस्पी सिर्फ ज़मीनी सच्चाई जानने में होती है, मुझे किताबी ज्ञानवान, मैं तो वैसे भी सिंपल आदमी हूँ। तो मेहमान हमारे आज हैं रामकृपाल जी, परिचय की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट और संपादक रह चुके हैं, बहुत लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स, देश की पॉलिटिक्स समझे। प्रेम कुमार जी हैं, बहुत गहरी राजनीति की समझ रखते हैं, बातचीत होगी प्रेम जी से भी। सज्जन कुमार जी हैं, एकदम युवा हैं, नया पर्सपेक्टिव लेके आते हैं,
गणित वणित भी लगा देते हैं इसमें। और केपी मलिक जी हमारे साथ, केपी मलिक जी की खास बात यह है कि मैंने दो ही तीन बार हमारा साहब का हुआ, लेकिन वेस्टर्न यूपी की जो गहरी पकड़ है ना मलिक साहब को, वो सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगती है। और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो समझेंगे उनसे भी क्या खेल चल रहा है इस समय देश में। तो आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। रामकृपाल जी आपसे शुरू करें, बताइए भाई ये क्या चल रहा है सर? ये तो अच्छा एकदम सिंपल परस्पेक्टिव डालें क्या, 400 आंकड़ा पार हो जाएगा क्या जिस तरह से तैयारी चल रही है इंडिया एनडीए गठबंधन की? नीरज जी, आगे जो भी चर्चा होगी वो आपने अपने संक्षिप्त बयान में वो सारे फार्मूले, मैं उसको फार्मूला कहूंगा, वो सब बता दिया है। देखिए, सत्ता का एक चरित्र रहता है कि सत्ता जब शुरू में आती है कोई भी पार्टी तो ज्यादा चमकती है, फिर उसके बाद 5 साल के बाद वो थोड़ा सा मध्यम होती है, फिर और मध्यम होती है, चला जाता है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी आई है 2014 में जिसका ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है, 14 से ज्यादा 19 में गया और अब जो संकेत मिल रहे हैं 19 से ज्यादा 24 में जा रहा है। वो संख्या कहाँ पे जाके अटकेगी? देखिए, तो अलग अलग पार्टियां होती हैं, पार्टियां भी उस परीक्षार्थी की तरह होती हैं जो 100 में 100 नंबर का लक्ष्य लेकर के चलता है, और इसीलिए अगर 100 नहीं मिला तो 98 मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा, कोशिश करता है वो 90 से 100 के बीच में उसको आ जाए, लेकिन लक्ष्य उसका 100 रहता है। इसलिए वो बीजेपी क्या कह रही है, मोदी जी क्या कह रहे हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन एक बात क्लियर है, ये सबको पता है कि बीजेपी का ग्राफ 2024 में 19 से बेहतर होगा। और यही कारण है कि देखिए 22 जनवरी के बाद, 22 जनवरी से पहले के बयान विपक्ष का सुन लीजिए, सब कहते थे कि मोदी को हटाना है और इसीलिए 400 सीटों पर बिल्कुल सीधी टक्कर होगी। ये बात 22 जनवरी के पहले तक ये बात की जाती थी कि किसी भी तरह से बीजेपी को सत्ता से बाहर करना, मोदी को बाहर करना है। 22 जनवरी के बाद कोई भी नेता ये नहीं कह रहा है कि इस बार मोदी को बाहर कर देंगे, न कहीं, न प्रिंट में, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूं, अब मोदी को हटाना चर्चा में नहीं है। अब जो 400 की फिगर है या 370 की फिगर है, उस फिगर को थोड़ा कैसे कम कर सकते हैं, यह चर्चा हो गई। तो एक बात तो क्लियर है कि विपक्ष ने भी यह मान लिया है कि मोदी को हटाना नामुमकिन है, मुश्किल है, इस बार वो आ रहे हैं। अब रही छोटी छोटी पार्टियों की बात, देखिए मैं एक बात कहता हूं, एक शब्द होता है चंद्रमा की कक्षा, सूरज की कक्षा। सूरज जो है, बड़े लोगों को गलतफहमी है कि सूरज गया था धरती के पास, शुक्र के पास, 9 ग्रहों के पास गया था कि हमारी आप परिक्रमा कीजिए। जी नहीं, उसकी चुंबकीय शक्ति इतनी है कि वो लोग परिक्रमा कर रहे हैं। कल को सूरज से बड़ा कोई आ जाए तो ये इसको छोड़ करके उधर परिक्रमा करने लगेंगे। तो जब सबको राजनीति में कोई संन्यास या वनवास के लिए नहीं आता है, रामचंद्र जी सिर्फ 14 साल के लिए वनवास गए थे, लौट के आए, उसके बाद राजा बन गए, यहां विपक्ष को 15 साल वनवास की तो गारंटी दिख रही है, उसके बाद भी कोई भविष्य नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि बीजेपी बुलाने जा रही, सवाल ये जो छोटे छोटे जैसे जो रजगारियां हैं, एक चुंबक इतना शक्तिशाली है कि वो रजगारियां अपने आप खींची हुई चुंबक की तरफ जा रही, और ये क्रम लगा रहेगा आगे आने वाले समय में। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, केवल एक बात कह रहा हूं कि बीजेपी का जो है राजनीति में एकदम उसने उलट दिया है, लगातार हर 5 साल के बाद उसका ग्राफ बढ़ रहा है, और मुझे लगता है कि जब मई के बीच में 15 मई के आसपास शायद रिजल्ट आएंगे, तो आज की मेरी ये बात रख लीजिए, हो सकता है मैं गलत भी साबित हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सही साबित होऊंगा और 2019 की तुलना में 2024 में मोदी का ग्राफ बढ़ेगा, बीजेपी का ग्राफ बढ़ेगा। इस सच्चाई को सारे राजनीतिक पार्टियां जान रही हैं, जिनको मौका मिला है वो बिल्कुल चली आ रही हैं बीजेपी की बारात में, जैसे होता है, जिनको पहले जो है ना लौटा दिए जाएंगे, जैसे
मध्य प्रदेश की एक घटना थी, याद होगा आपको, अभी हो रहा था कि आएंगे आएंगे, शायद उनका वेलकम नहीं किया गया, कुछ मजबूरियां हैं, नहीं तो वो भी आ जाते जी। अच्छा, आप उनकी बात कर रहे हैं, कमलनाथ जी की? हाँ, आज देर सवेर आ भी सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात, मतलब आजकल तो मतलब मैं किसी के बारे में नहीं कह सकता कि ये फलाने जी पैदाइशी कांग्रेसी या पैदाइशी सपाई है तो नहीं आ सकते, कुछ भी हो सकता है सर, इतना मतलब अनसर्टेन हो गया है कि गारंटी लेना बड़ा मुश्किल है आजकल। ये जो पूरी परिस्थिति बन रही है ना सर, इसमें तरीके तौर तरीके बदल रहे हैं, इस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, क्या नतीजे आएंगे हम लोग देखेंगे मई के बीट में। एक बार उत्तर प्रदेश में थोड़ा समझ लूँ मलिक सर, ये यूपी में बहुत भयंकर खेल कर दिया है। अब देखिए, वो चार और बना लिए मंत्री, राजभर जी जो है बहुत गुस्साए घूम रहे थे, अभी नहीं बनाया तभी नहीं बनाया, 22 जनवरी को बनाएंगे, उससे पहले बनाएंगे, इससे पहले बनाएंगे, फाइनली अब बन गए प्रसन्न एकदम। दारा सिंह चौहान हार गए लेकिन फिर भी वो भी बना दिए गए, वो भी प्रसन्न, RLD का भी एक। क्या बदलाव होगा इससे, क्या फर्क पड़ेगा सर ये जो पूरी घटना यूपी में हुई है? देखिए नीरज जी, जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री राम कृपाल जी ने बताया कि 400 का लक्ष्य रखा गया है कि 100 नंबर का लक्ष्य कर लीजिए और 70-80 तो आ ही जाएंगी, तो ये भी मान के चल रहे हैं कि 400 पार तो है नहीं, जो सवाल आपने पूछा था। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि वो जो चुंबक है उससे सारी चवन्नियां चिपक रही हैं, क्या वो अपने आप ही चिपक रही है या पीछे से कोई धक्का भी दे रहा है उनको, इसका इन्होंने नहीं बताया। जो आज चार मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है उसमें से तीन विधायक ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जीत के आए थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, तो क्या वो जनता को जवाब देंगे अपने क्षेत्र की, क्या वो अपने वोटरों को प्रभावित कर पाएंगे? यही दारा सिंह जी हैं जो इस्तीफा दे के गए थे, लगभग 45,000 वोट से हार के जीत के आए, तो ये मंत्री बनने के बाद अपने कितने प्रतिशत लोगों को प्रभावित कर पाएंगे ये भी हमें देखना होगा। दूसरा, अगर हम वेस्टर्न यूपी की बात करते हैं, जयंत चौधरी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं, आपने देखा है कि लगभग 15 दिन ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी और आखिरकार उनकी अमित शाह जी और नड्डा जी से मुलाकात हुई और ये हुआ कि भाई दो लोकसभा की सीटें उनको दे दी गई हैं और एक जो है उनका कैबिनेट मंत्री बन रहा है। अब ये जो तीनों लोग हैं मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के शर्मा जी को छोड़ दिया जाए, सब पहले बसपा में भी रहे हैं, दूसरी पार्टियों में भी रहे हैं, आज ये भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, कल को अगर किसी और दल की सरकार बनती है तो ये वहां चले जाएंगे। हम लगभग 3 दशकों से मैं इस फील्ड में हूं और जब किसी नेता के यहां हम जाते थे चुनावी माहौल में ये होता था, इक्के दुक्के नेताओं ने दल बदली कर ली। आज तो आपने भी अपने उसमें उद्बोधन में कहा शुरुआती दौर में कि भाई पता ही नहीं लग रहा कौन क्या आ जाए, और एक हल्का सा इशारा राम कृपाल जी ने भी दिया कि मध्य प्रदेश वाले भी आ रहे थे, वो रुक गए। नहीं, मध्य प्रदेश वाले ही नहीं, हरियाणा वाले भी आ रहे थे, वो भी रुक गए, क्योंकि उनके यहाँ भी जो है पूछताछ लगातार हो रही है, बाकी चीजें चल रही है, तो और भी लोग आ सकते हैं, मजबूत लोग भी आ सकते हैं। अभी 2 दिन बाद मायावती जी क्या निर्णय लेंगी ये भी होगा, तो अभी तो गंगा में पानी बहने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता होके जाता है ये कहावत है, और विशेष फोकस भारतीय जनता पार्टी का भी उत्तर प्रदेश है। एक और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इस बार 400 के पार, और फिर आप जो है सारी चवन्निया अठन्निया 10 का सिक्का 20 का सिक्का 1 रुपए का सिक्का इकट्ठा करने पर लगे हुए हैं। तो ये दो तरह की बात प्रधानमंत्री जी अगर कर रहे हैं तो ये भी हमें समझना होगा कि मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और बस जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो उसको कहीं ना कहीं ये भी संशय है कि उत्तर प्रदेश में 80-80 हम लड़ने जा रहे हैं, क्या उसमें से कितनी आ पाएंगी, क्योंकि घबराहट है। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में लगभग 51 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, उसमें से अधिकतर पुराने हैं उनके, और उनकी हिम्मत नहीं है बदलने की। अजय टेनी का किसान में इतना विरोध होने के बाद में भी अजय टेनी को टिकट देना जताता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात से डर रही है कि अगर उनका टिकट काटते हैं कहीं पार्टी में विद्रोह तो नहीं हो जाएगा, वो भी कहीं दूसरा दल तो नहीं ज्वाइन कर लेंगे। तो ये बताइए स्थिति, मलिक साहब आपने सिचुएशन एनालिसिस बहुत बढ़िया किया, अब मुझे ये बताइए कि इसका असर क्या हो, क्या चंदन चौहान चुनाव हार जाएंगे क्या? नहीं, देखिए चंदन चौहान का चुनाव हारने का जीतने का ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन चंदन चौहान वहां से अगर चुनाव लड़ते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी की सीट बहुत अच्छी रही है बिजनौर, और राष्ट्रीय लोकदल के साथ गए हैं,
तो वहां उनके जीतने के चांस बनते हैं। हारी तो पहले थे वहां पे, मायावती का वहां पे पहले एमपी था, क्योंकि इन्होंने समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और बसपा ने चुनाव मिलकर लड़ा था। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ चंदन चौहान गए हैं, वो हार जाएंगे मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन सिचुएशन आने वाले समय में क्या बनेगी, आप बागपत में अगर हार जाएं तो ये अनोखी बात हो जाएगी। अभी गठबंधन का कौन नेता आता है, क्या स्थिति बनती है, आप अभी ये देखें। क्योंकि हमें ये नहीं मानना चाहिए कि किसान नाराज है वहां पे, तभी तो ये 9 विधायक आए थे जीत के, जब भारतीय जनता पार्टी की लहर उत्तर प्रदेश में चल रही थी और पिछले 17 से ज्यादा नतीजे अच्छे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में आए थे, वही राष्ट्रीय लोकदल जो 0 पे थी वो 9 विधानसभा में जीत गई थी, तो ये भारतीय जनता पार्टी का विरोधी तो था। तो हम ये कहें कि राष्ट्रीय लोकदल जाके वहां पे पूरे जो है अपने जाति के वोटों को भारतीय जनता पार्टी में ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके साथ मैं दूसरी चीजें भी नीरज जी कहता हूँ, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में अगर आप देखेंगे जाट की एक मजबूरी होती है और जाट कंफर्ट फील करता है समाजवादी के बजाय भारतीय जनता पार्टी में जाने के, क्योंकि जो 2013 का दंगा है वो अभी तक जाट समाज के दिमाग से निकला नहीं है, तो वो एक मौका भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को जाट का मौका मिल जाता है। और दूसरी, चाहे हम ऐसा नहीं है कि विरोधी करें, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से चल रही है उससे तमाम लोग खुश हैं, उनको ये लगता है कि योगी जी बहुत अच्छा शासन कर रहे हैं और जो अपराध और जो चीजें जो उत्तर प्रदेश में चल रही थी इसमें वास्तव में रोक आई है, मैं ये भी मानता हूं। और भारतीय जनता पार्टी का असर शीर्ष नेतृत्व के अलावा ज्यादा असर जो है वो उत्तर प्रदेश के शासन और योगी का है वेस्टर्न यूपी में, तो मुझे ये लगता है। कुल मिला के सर आपकी राय क्या है, ये जो यूपी में स्थिति भाजपा की मजबूत हुई है या कमजोर हुई है, आरएलडी के जुड़ने से फायदा है कि नुकसान है, एक लाइन में बताइए सर। नहीं, जुड़ने से फायदा दोनों ही पार्टियों को है, दोनों पार्टियों का अस्तित्व खतरे में था अगर नहीं जुड़ते, नुकसान वहां पे होता, दोनों के जुड़ने से दोनों को ही फायदा है। राष्ट्रीय लोकदल का तो अस्तित्व बचेगा। हाँ, नहीं तो पता लगा, अच्छा वो इसीलिए आए होंगे, उधर 6 मिलती लेकिन तब भी शायद जीत ना पाते, इधर तो मान लो 2 मिली तो 2 ही जीत लेंगे, और हो सकता है चुनाव के बाद चौधरी साहब के बेटे मंत्री बन जाए, ये भी संभावना जी है। बिल्कुल है ना, संभावना नहीं पक्की बात है, पक्की है ना सर। देखिए सर, दिल की बात पढ़ ली मैंने, डील देखिए मलिक साहब कैसे मैं बुलाया था। प्रेम कुमार जी सर, क्या हो रहा है, आपका विश्लेषण क्या है भाई, ये भागम भाग इधर उधर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा एक चीज यहाँ मैं कह दूं अपनी बात, जो भी केपी सर ने कही और रामकृपाल जी ने कही, देखिए जिस विद्यार्थी को टॉप करना होता है सर, केपी सर ये थोड़ा आपसे मैं डिफरेंट बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे मान लीजिए टॉप करना है यूनिवर्सिटी में, तो मैं अंतिम समय तक अपनी कॉपी को 3 बार पढ़ूंगा कि यार एक भी लाइन गलत नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मेरे को टॉप करना है। अगर खाली पास होना है 33% से तो जितना लिख दिया बहुत है, कुछ तो मास्टर साहब राइटिंग देख के भी दे देंगे 2 नंबर, पास ही हो जाएंगे हम। लेकिन अगर मुझे टॉप करना है यूनिवर्सिटी, तो मैं फिर एक कोई चीज़ छोड़ूंगा नहीं, गेस्ट पेपर भी पढ़ूंगा, नोट्स भी पढ़ूंगा, किताब भी पढ़ूंगा, पुराने लेक्चर का ऑडियो भी सुनूंगा। ऐसा प्रयास शायद भाजपा कर रही है, क्योंकि उसको उसने जो लक्ष्य इतना बड़ा साधा है उसको साधने के लिए करेंगे। हाँ, अब प्रेम शंकर जी, प्रेम कुमार जी सर। हाँ देखिए वाजपेयी जी, आपने जो परीक्षा वाला उदाहरण दिया ना, परीक्षार्थी के पास ये ऑप्शन थोड़े होता है कि दूसरों का कट कर दे, दूसरा को नुकसान पर्चा फाड़ दे, उसके पास तो अपनी मेहनत करना ही होता है ना, तो ये परीक्षार्थी वाला उदाहरण मतलब आपने ना हमारी जो उदाहरण को भी आप जो है लपेट लिए, क्लियर क्या है, इसमें भी संदेश है, बात है, स्पष्ट है। और जो बातें हम देख रहे हैं ना, राजनीतिक दलों का उधर जाना, चलिए आपके पूरे कहने का मतलब है कि जो लोग जा रहे हैं वो ये देख के जा रहे हैं कि सामने वाली पार्टी जो है जीतने वाली है, वहां हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा है, इसलिए हमें उसको वहां जाना चाहिए, यही आपके पूरे शो का लबोलुआब है। लेकिन क्या है कि जनता कुछ लोगों के सोचने और जुड़ने से के हिसाब से फैसले नहीं कर, बहुत सारी बातें मीडिया में नहीं आ रही हैं, और इलेक्टोरल बॉन्ड का बहुत बड़ा सवाल है, आज सामने आ जाए कि चंदा लेके किसको धंधा दिया है पूरा चुनाव बदल जाएगा, वो एक बड़ा मुद्दा है। आप देख रहे हैं शाहजहांपुर में एसपी के दफ्तर के सामने भाई जल रहा है आदमी, बेटा चिल्ला रहा है, बाप बाप कर रहा है, बचाओ बचाओ कर रहा है, और ऐसे हालात आए दिन बने हुए हैं। छात्र आंदोलन पर है, किसान आंदोलन पर है, गुस्सा नफरत सब जगह दिख रहा है,
लेकिन वो पहलू जो है आजकल मीडिया से गायब है। वो केवल कौन किस पार्टी में गया, कौन किसके साथ जुड़ गया, हम उसको जोड़ लिए तो तिस्मार खान हो गए और हम इलेक्शन जीत लेंगे। इलेक्शन केवल किसी को तोड़ने और जीतने जोड़ने का नाम होता तो कभी सत्ताधारी पार्टी विपक्ष में आती ही नहीं, कभी आती ही नहीं, वो हमेशा जोड़ने में सक्षम रहती। एक बात जरूर है कि आज की सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच संसाधनों का बहुत बड़ा फर्क हो गया है और उसका कारण इलेक्टोरल बॉन्ड है, उसका कारण है, यही कारण है कि आज चुनाव जीतने के लिए जो यत्न हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी कर ले रही है। अभी अपने साथ लोगों को जोड़ भी ले रही है, तोड़ भी ले रही है। आज देखिए ना, डीके शिवकुमार आज जो अपने पिता के अंतिम रिचुअल्स में इसलिए शामिल नहीं हो सके क्योंकि बेल नहीं मिली उनको, आज क्लीन चिट मिल गया सुप्रीम कोर्ट से। ईडी ने ही तो कार्रवाई की थी ना, ईडी ने ही की थी। तो किस तरीके से विपक्ष को सताया जा रहा है उसका तो आज डीके शिवकुमार को क्लीन चिट मिलना उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। यानी सीबीआई ईडी तमाम संसाधनों के बारे में जो है दुरुपयोग की बातें जो हम लोग कहते रहे हैं, जिस पर होता है कि हम बस कह रहे हैं, लेकिन अब तो उस पर मुहर भी लग रही है। भाई चंडीगढ़ में कैसे चुनाव लूटा गया उस पर भी मुहर लगी, सारी चीजें हर इलेक्शन में हमने देखा। भाई 5 राज्यों के चुनाव हुए, भाई बैलेट पेपर में कोई जीत रहा है, ईवीएम में कोई जीत रहा है, वो भी हमने देखा, वो सारी चीजें सामने हैं। तो ये इम्बैलेंस है और इसके लिए इसका जवाब देखिए, डेमोक्रेसी बचाना सिर्फ विपक्ष का काम नहीं होता है। और ये चुनाव जो जिस परिस्थिति में हो रहा है वो उस परिस्थिति को देखें तो आज चुनाव में कैसे डेमोक्रेसी बचेगा, ये इसीलिए महत्वपूर्ण है। जनता अगर इन बातों को नजदीकी तरीके से समझ रही है तो इन चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन अर्जुन मोडवाड़िया कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, या कौन बीजेपी का नेता उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में गया, या कौन बीजेपी का नेता टीएमसी से बीजेपी में आया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता नब्ज पकड़ती है और नब्ज पकड़ लेगी, जनता के रिप्रेजेंटेटिव है प्रेम कुमार जी, जिसकी चर्चा नहीं कर रहे। अरे जनता की पल्स तो हम लोग इन्हीं के थ्रू जानते हैं ना, अब ये नेताजी लोग के जरिए ही तो हमको पता लगता है जनता क्या सोच रही चुनाव के जरिए। जो सर्वे के थ्रू भी तो आप जान रहे हैं, तो सर्वे तो सारे उन्हीं को जिता रहे हैं सर, अब बताओ ना, सारे सर्वे उन्हीं को जिता रहे हैं। 370 का लक्ष्य रख दिया, आप सब सर्वे जुट गए 370 पहुंचाने के लिए, ये भी तो परसेप्शन है ना इसी समाज में। अच्छा, अरे बीजेपी एक लक्ष्य रख देती है, सारे सर्वेयर्स उस लक्ष्य को पाने लक्ष्य के आसपास पहुंच जाते हैं। प्रेम जी, प्रेम प्रेम से प्रेम सुनो ना, ईवीएम का सवाल भी तो वहीं से जुड़ा हुआ है ना, पूरी बहस ही वहीं पर है। अरे ये ना पेंडोरा बॉक्स खोल दिया आपने, अब ईवीएम तक बात फिर पहुंच गई है, पहुंचेगी ना सर्वे तक पहुंच गए, अभी सारी बहस 370 पे हो रही है। अरे 272 में सरकार बन जाएगी सर, वो तो 100 सीट और ऊपर की बातें चल रही है। मेरा सवाल सुनो ना सर, जो बात आप कह रहे हैं उसमें तथ्य है कि भाई चंडीगढ़ में हुआ था कांड, सुप्रीम कोर्ट ने उसे फटकार लगाई, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, फिर भी अर्जुन मोडवाड़िया या किसी कलकत्ता हाईकोर्ट के जज को या किसी उड़ीसा बंगाल फलाने ढमकाने के नेताओं को ये बात नहीं समझ में आती क्या, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? कुछ तो है जो हम लोग मिस कर रहे हैं। हम मिस ये कर रहे हैं वाजपेयी जी कि हम ये पता लगाएं कि अर्जुन मोडवाड़िया जी का कारोबार क्या है, उनको किसी तरह की धमकी तो नहीं सर, पूरे कुएं में भांग पड़ी तो ये तो भाई ये मिसिंग है। देखिए प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत मतलब आपने ऐसी बात कह दी जो मुझे कहने में मजबूर कर रहे हैं, ये बहुत चिंता की बात है कि अगर देश भर के नेता ऐसे ही है, वो वॉइस जो पब्लिक का वॉइस है प्रेम कुमार ही लेकर आता है आपके। अरे प्रेम कुमार जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर मोड़वाड़िया से लेकर के उड़ीसा टीएमसी तक ऐसे ही नेता हैं जो जिनके सबके कारोबार जांचने पड़ेंगे तो भाई बहुत गंभीर समस्या है सर ये तो, फिर तो मतलब और आप कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी देर पहले जो आप कह रहे थे सबका एक पार्टी में लौटना, मैं याद दिलाता हूँ वक्त जो बदलता है, समय क्या होता है जो आप कह रहे थे। भाई पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, जितने केंद्रीय मंत्री थे बाबुल सुप्रियो और वो जितने बड़े बड़े नेता, सब वक्त बदला तो आ गए टीएमसी में। हाँ, बदलता है तो ऐसा भी होता है वाजपेयी जी, मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए फिर वक्त बदला, फिर सब छटपटा रहे हैं यही तो मैं कह रहा था कि वक्त बदला जाएगा। और आपको आपने छेड़ दिया ना, सज्जन के पास जा रहा हूँ, उससे पहले जनता की बात आपने की, एक पल्स आपके सामने रख देता हूँ, अब इस पर आप सुनिए पहले इसको।
इप्सोस ने एक सर्वे किया, एकदम ताजा गर्मा गर्म अभी आया है 10 मिनट पहले। इसमें मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग है, लोकप्रियता है, आपके सामने स्क्रीन पर, इसको स्टिल करिएगा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। दिसंबर 2022 में जो अप्रूवल रेटिंग थी मोदी जी की वो 60% थी, फिर वो फरवरी 2023 में बढ़ के 67% हो गई, फिर सितंबर 2023 में बढ़ के 2% कम होके 65 हुई, और एकदम फरवरी 2024 में आज की तारीख में ये 75% है। सर, तो उनकी लोकप्रियता, उनके नेता की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। यही तो मैं कह रहा था कि एक ही तरफ लोग क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि राजनीतिक भविष्य उधर है, पॉलिसीज उधर हैं, इससे वो कन्विंस्ड हैं। अब कुछ लोगों को डर लगे या नहीं लगे मुझे नहीं पता। अब इसको जरा ब्रेकअप कर देते हैं कि अलग अलग इलाके और जोन में क्या पॉपुलैरिटी है। नॉर्थ जोन, मलिक जी का इलाका, मतलब मलिक जी सारे लोगों का इलाका, नॉर्थ जोन में उनकी अप्रूवल रेटिंग 92% है सर, अनप्रेसिडेंटेड। इसके आधार पर 80/80 यूपी में कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए अगर 92% अप्रूवल रेटिंग है नॉर्थ जोन में। ईस्ट जोन में 84%, बंगाल भी आएगा ईस्ट जोन में। वेस्ट जोन 80% और साउथ में 35%, बिल्कुल नेचुरल है, साउथ में उतनी स्ट्रांग नहीं है बीजेपी तो वहाँ 35% है, लेकिन 35% भी बहुत बड़ा नंबर है। तमिलनाडु में, तेलंगाना में, कर्नाटक में बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं आजकल वो, तो 35% की रेटिंग ले आना बहुत बड़े है। अब इसको और थोड़ा ब्रेकअप करते हैं सर, उम्र पे चलते हैं कि किस उम्र के ब्रैकेट के लोग इसको लाइक करते हैं। 45+ यानी 45 से ज़्यादा उम्र के लोग जो हैं 79%, 80 से एक कम परसेंट लोग मोदी जी की लोकप्रियता से प्रभावित हैं, उनको पसंद करते हैं। सबसे बड़ा नंबर ये है 18 से 30 युवा, जिसको प्रेम जी एड्रेस करना चाह रहे थे, युवाओं के बीच में 75% उनकी रेटिंग है मोदी जी की, और 31 से 45 71%, तीनों को जोड़ दीजिए तो 75% रेटिंग बनती हर एज ग्रुप में। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है प्रेम जी, एकदम ताज़ा गर्मा गर्म सर्वे है ये कि ओवरऑल रेटिंग उनकी इतनी ज़बरदस्त बढ़ चुकी है, हर इलाके में बढ़ चुकी है और हर एज ग्रुप में बढ़ चुकी है। ये दिखा रहा है कि जनता के बीच में उनकी स्वीकार्यता बहुत ही ज़बरदस्त है, इसलिए लोगों का आना शायद जस्टिफाइड होता होगा। सज्जन जी, अब सवाल नहीं मेरे पास, बताइए इसी पे बताइए आप, क्या पूछूं मैं, 3 सवाल पूछ लिए। बिल्कुल, देखिए इसमें जैसे अभी हम बंगाल में हैं, हमने सोचा कि जो प्रधानमंत्री ने वर्ड के साथ जो प्ले किया कि वो आर्टिकल 370 और 370 को साथ में लाना चाहते थे, तो एक पार्टी के नाते निश्चित तौर पे जो उसके रणनीतिकार है, संगठन के लोग हैं, वो चाहेंगे कि उस दिशा में ज्यादा से ज्यादा हासिल हो, तो ये तो एक साइकोलॉजिकल वॉर है। तो वो सीटें कहाँ पे बढ़ सकती हैं, तो उसमें आप देखिए जो स्विंग स्टेट्स हो सकता है उसमें एक बंगाल है, जहां पे 42 में बीजेपी के पास 18 है। फर्क क्या है कि अभी 3-4 महीने पहले तक आप किसी से भी पूछ लें, मुद्दा ये होता था कि 18 में से कितना डैमेज अपना बीजेपी कम कर पाएगी। अभी आप जाके देखें, और मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं, उसमें सीधी सी बात है कि 18 तो रिटेन कर ही रहे हैं, क्या इससे ज्यादा बढ़ सकता है नहीं बढ़ सकता है उसकी ओर है। दूसरा देखिए, जो आपने ग्राफ दिखाया उसमें ईस्ट जोन में नॉर्थ ईस्ट भी है, और आपको बताएं कि आप प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कभी देखना हो तो त्रिपुरा में जाके देखिए। त्रिपुरा जो एक पेरिफेरल स्टेट था, जहां पे मेनलैंड वर्सेस पेरिफेरी के नैरेटिव में हमेशा से पॉलिटिक्स होती थी, सीपीएम लंबे समय तक थी, वहां जाके देखिए आप, असम में जाके देखिए, बंगाल में आप जाके देखिए। और बंगाल में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, 2021 में बीजेपी हारी लगभग 39% वोट के साथ, लेकिन अगर आप दलितों में, ओबीसी में और एसटी में देखें, ये सीएसडीएस का डेटा है, पोस्टपोल डेटा, तो बीजेपी टीएमसी से काफी आगे है, और वो चीज आपको इस बार भी दिख रहा है। और मान के चलिए ये वो तबका है जो ना तो बीजेपी का कोर हुआ करता था, और वो क्षेत्र है जहां बीजेपी का कोई आधार नहीं था, तो निश्चित तौर पे ये है। दूसरी देख लीजिए, जो सीट बढ़ सकती है वो यूपी में बढ़ेगी। कारण क्या है, 2019 में मायावती
लोकदल, ये इन सब लोगों ने अपना अपना एक छोटा सा जो केयर है, मायावती तो 10-13% के बीच का कोर अभी भी उनका एक कैप्टिव वोट बैंक है, वो ट्रांसफर कर सकते, इस बार जा नहीं रहा है। लोकदल में मलिक सर ने बात कही, मैं उस समय हम लोग 2022 में एक फील्ड वर्क कर रहे थे और 3 गांव में हम लोगों ने फील्ड वर्क किया था, कुतबा, लिसार और फुगाना, चूंकि दंगों में इनकी काफी ये केंद्र में रहे थे। आपको बताता हूं, उस समय किसान आंदोलन हुआ था और निश्चित तौर पे नैरेटिव ये था कि जाट समाज के लोग जो हैं काफी नाराज हैं, और चूंकि 2013 के बाद से कई दफे हम लोगों ने उस समय एक शोधकर्ता के नाते वहां पे फील्ड वर्क करते रहे, तो हमने कुछ कुछ घरों में जाके बात की, तो बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्लेफुल नैरेटिव था। एक बड़े बुजुर्ग थे, हमने कहा कि क्या लग रहा है, कहा कि देखिए इसमें कोई शक नहीं है, और ये मैं शायद निसार की बात बता रहा हूं, कि बीजेपी एक किसान विरोधी पार्टी है और जाट विरोधी भी है। तो हमने कहा कि भाई फिर तो बाबा गए, योगी गए, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। फिर प्लेफुलनेस देखिए, फिर कहते हैं कि जाट जो है वो एक राष्ट्रवादी कौम भी है, और वो राष्ट्रवाद जो है हमें केवल बीजेपी में दिखता है, और कम से कम दूसरी जो पार्टियां हैं कांग्रेस या बाकी क्षेत्रीय पार्टी उसमें नहीं दिखता है। और फिर कथन ये कहते हैं कि देखिए हम तो चाहते हैं कि जयंत चौधरी की अपनी थोड़ी सीटें आ जाएं और बाद में इसका वजूद बना रहे। अखिलेश, मलिक सर ने कहा भी अखिलेश का हाल यह है कि टीवी पे आता है तो दंगे की जो मेमोरी है जाट समाज में, मन करता है कि टीवी बंद कर दूं। तो ग्राउंड पे भी देखिए जो जयंत चौधरी हैं सब कुछ हैं, उनके लेके एक जाट समाज डिवाइडेड है। संजीव बालियान भी हैं, एक अच्छे नेता है, उन्होंने अजीत सिंह को 2019 में बहुत बड़े इमोशनल पिच के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, मुजफ्फरनगर से शिकस्त दी, लेकिन बावजूद इसके एक तबका जाट समाज का इनके साथ जुड़ा हुआ है, उसमें यूथ से ज्यादा जो एजिंग पॉपुलेशन है, जो बड़े बुजुर्ग है वो ज्यादा है, लेकिन मान के चलिए कि वो सपा के साथ नहीं है, और मोदी हो या योगी हो उनको लेके लोकप्रियता है। उसी तरीके से आप देख लीजिए, आप बिहार में चले जाइए, चैलेंजिंग स्टेट था, हर कोई मान रहा था जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे थे कि बिहार, बंगाल, ये 2 जो है बीजेपी के लिए बहुत ही स्ट्रगलिंग है, नीतीश और लालू है, बीजेपी ने उसको मैनेज किया, और जहां पे इनका सैचुरेशन था वहां पे ये फिर से रिपीट करने की स्थिति में। कांग्रेस की तो प्रतिष्ठा इस बार बच जाएगी, प्रतिष्ठा मतलब ऑनरेबल एग्जिट, कि कर्नाटका और तेलंगाना से शायद उन्हें थोड़ी पिछले बार के मुकाबले बढ़िया सीट मिल जाए, नहीं तो इस बार तो स्थिति ये होती कि ये 20s में आ जाते, 20-25-30 की गिनती में रहते। तो ये क्लियर है कि देखिए ये दौर केवल इसमें एक मोरल हाई ग्राउंड लेना कि साहब ये ईडी को यूज कर रहे हैं सब। आप देखिए कि दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, पिछड़ा वर्ग हो, पेरिफेरल रीजन्स हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे असम हो, चाहे त्रिपुरा हो, वहां पे बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है, और ये अक्रॉस जनरेशन दिख रहा है, ईस्ट में 84%, आप सोच के चलिए, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट भी आपका है इस सर्वे में, ये रीजन वो है जहां पे मेनलैंड वर्सेस पेरिफेरी का डिबेट चलता था, तो आज एक इंटीग्रेशन हो रहा है। तो ये जो आकांक्षा की राजनीति है, आकांक्षा को कितना बीजेपी पूरा कर पाती अलग विषय है, उस मामले में देखिए अपोजिशन क्या कर रहा है, मंडल लाएंगे, ओबीसी की गिनती करेंगे, फिर से गोल्डन नेहरूवियन एज लाएंगे, जी क्या कर रहे हैं पुराने में जा रहे। सज्जन एक और प्लेट दिखा देता हूँ ग्राफिक की, किसके बीच में, महिला और पुरुष के बीच में क्या लोकप्रियता का ग्राफ है। 75% लोकप्रियता महिलाओं के बीच में, 74% पुरुषों के बीच में, 1% ज़्यादा है। स्वाभाविक है यार, कितनी सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए उन्होंने शुरू की, जैसे सबसे बड़ी जो मैं कहता हूँ उज्ज्वला महिलाओं के लिए, नल से जल, घर घर शौचालय, और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कमरे बने उसमें भी रजिस्ट्री महिलाओं के नाम हुई है। तो जो एम्पावरमेंट उन्होंने दिया है वो सिग्निफिकेंट है, वो सर्वे में दिख भी रहा है कि किस हद तक वहाँ पे पॉपुलरिटी बढ़ती चली गई है। एक बात मैं यहाँ ईडी वाले में कहना चाहता हूँ, देखिए चुनाव के समय चूँकि 10 साल इस सरकार को गए तो हम लोगों का स्मृति लोप भी होता है, 2002 उसके आसपास याद करिए कैसे केंद्र की सरकार ने ग्रिल किया था मोदी जी को, भूल गए लोग, वो भूल गए ना वो, क्योंकि उस समय जो एजेंसीज का यूज़ होता था वो हमको अब याद नहीं, क्योंकि 10 साल हो गए कौन याद रखेगा। आज ताज़ा ताज़ा याद है कि फलाने जी के घर में ईडी पहुंच गई थी, और मैंने कहा था ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है, अगर हर नेता घर में पहुंच रही है और मोड़वाड़िया जी का बिजनेस चेक करने की ज़रूरत है, ये तो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है कि मतलब हर नेता क्या बिजनेस चेक करेंगे क्या हम, ये एक समस्या यहाँ पे बनती हुई दिख रही है।
अच्छा एक एक बड़ा और इशू जो हुआ जिसको बीजेपी ने लपक लिया, मुझे एक छोटा छोटा कमेंट दिए फिर मैं ब्रेक लूंगा फिर लौट क्या करूंगा। रामगोपाल जी, परिवारवाद पर फिर से एक बार डिबेट शुरू हो गई है, लालू जी ने क्या बोला और बीजेपी वालों ने अपने सब ट्विटर बायो लगा लिया और ये इशू बन गया बड़ा, चौकीदार चोर का नया फार्मूला ये इस समय आ गया चुनाव में, छोटा सा कमेंट सर। देखिए मैं तो सिंपल कहता हूँ कि आज की बात छोड़िए, सनातन जिसकी बात आप करते हैं, हमारा भारतीय मानस में एक चीज होती है कि उसी को पूजा जाता है जो अपना परिवार या अपने लोगों का, अपनों का हित छोड़ करके समाज के हित की बात करे। दिक्कत यहाँ ये हो गई कि लालू प्रसाद ने पता नहीं क्यों, जो बीजेपी की सबसे बड़ी, जिसको कहते हैं ना सबसे जो स्ट्रेंथ है बीजेपी को, वो मोदी की व्यक्तिगत छवि, उनके उनके कुर्ते में पॉकेट नहीं है, आज तक उनके ऊपर नहीं लगा कि वो अपने परिवार में किसी भाई भतीजे को नौकरी दिलाने के लिए कुछ करते हों, और उनकी जो स्ट्रेंथ नहीं ये है कि वो परिवार को जब राजनीति में आए तो उन्होंने परिवार की तरफ नहीं देखा, माँ को अपने मानते रहे, तो उनकी स्ट्रेंथ पर आप हमला करने जा रहे हैं। और जो लालू की एक वीकनेस रही अपोजिशन की कि वो परिवार की पार्टी है, उसके फेवर में अगर आप परिवारवाद के फेवर में कसीदे पढ़ेंगे और मोदी पर करेंगे तो ये तो आपने सेल्फ गोल कर लिया है। ये लालू जी ने अपना नुकसान ही नहीं किया है, तेजस्वी ने थोड़े दिनों में जो कुछ बनाया था लालू जी ने गांधी मैदान में वो सब गंवा दिया है। मैं अभी चूंकि अगर आप अगली बार मौका देंगे तो थोड़ा हाँ, और बिल्कुल दूंगा मैं इस पे एक एक छोटा छोटा कमेंट मैं अभी चाहता हूँ, इसलिए मैंने कहा छोटे छोटे लौट के फिर बैठ सकते। प्रेम कुमार जी, मतलब जो उनकी स्ट्रेंथ है, मतलब जिसकी पत्नी स्वयं दोनों पुत्र एक बेटी, वो आदमी बात कर रहा है परिवारवाद की, वो भी उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो अपने भाई को पूछते भी नहीं कभी कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो। जी देखिए, रामकृपाल जी ने लालू प्रसाद जी का तो ये देखा कि उन्होंने वीकनेस को रखा और बीजेपी के मजबूत पक्ष को रखा, लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये है कि खुलकर ये बात सामने आ गई है कि नरेंद्र मोदी जी बीजेपी परिवार के सदस्य नहीं है, बीजेपी मोदी परिवार के सदस्य, बीजेपी के तमाम नेता जो है वो मोदी परिवार, जो ऑटोक्रेसी है, जो एकाधिकारवादी है, मोदी की गारंटी। अरे कभी योगी जी ने कहा था मोदी की सेना, अब ये हम क्या विदेश जाएंगे तो कहेंगे मोदी का देश, ये मोदी की बीजेपी। ये जो एक्सपोज किया है, ये लालू प्रसाद जी ने एक्सपोज किया बीजेपी को कि देखो ये बीजेपी कहाँ आ गई है, पूरी की पूरी पार्टी कह रही मोदी का परिवार, जबकि पहले अब तक मोदी बीजेपी का परिवार का हिस्सा हुआ करती थी। ये एक पहलू है, और दूसरी बात है कि नरेंद्र मोदी जी कोई सन्यासी नहीं है, भाई उन पत्नी ना ठीक है उनके साथ नहीं है, लेकिन भाई है, छह भाई है, भतीजा है, उनके पोते नातिया है, किसी के साथ कोई तस्वीर देखी है देश ने? परिवार जब व्यक्ति स्तर पर जब परिवार नहीं है तो देश को क्या परिवार बनाएगा? अरे बेसिक कुमार जी आप गलत निकल पड़े सर, परिवारवाद और परिवार होने में फर्क है सर, क्या आप मतलब क्या बात कर रहे हैं प्रेम कुमार? एकदम जब हम अपने भाई को आपके साथ तस्वीर नहीं खिंचा सकते, अरे हम सन्यासी थोड़े हैं, पत्नी को अरे फोटो खिंचाने में हमारे परिवार शादी विवाह में शामिल होने में कोई दिक्कत नहीं सर, परिवारवाद की जो डिबेट चल रही है आप तो मतलब पता नहीं कहाँ निकल गए, एकदम जापान लेके पहुंच गया डिबेट को, फायदा उठाने की बात हो रही है। छोटा परिवारवाद देखिए राजनीति का एक पहलू है, जो डार्क साइड होता है वो एक छोटा सा हिस्सा है, वो छोटा नहीं सर की बात करते हैं वो सबसे बड़ा। नहीं प्रेम कुमार जी नहीं 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 प्लीज यार नहीं एकदम नहीं प्रेम कुमार जी, परिवारवाद बहुत छोटी बात है। नहीं परिवारवाद की बिल्कुल गलत व्याख्या की जाती है तमाम डिबेट्स में, जो लोग इस शो में बैठे हैं, जो लोग इस शो में नहीं बैठे यूट्यूब चैनलों में बैठे जहां भी ज्ञान देते हैं, परिवारवाद का ये ज्ञान थोड़ी है, परिवारवाद का ज्ञान ये है कि चौधरी जी का बेटा ही पार्टी चलाएगा, यादव जी का बेटा ही पार्टी चलाएगा, ये है परिवारवाद। ये थोड़ी है कि राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने थे तो आप अमित सिंह अध्यक्ष बनेंगे, ये है परिवारवाद। ये हुआ क्या बीजेपी में? यहीं पर आइए ना कि जो संघ से जुड़ा होगा संघ परिवार से वही आज बीजेपी में या उनके बनाई तो सरकार में परिवार बायोलॉजिकल परिवार नहीं है प्रेम कुमार जी, इतनी बेसिक चीज आप समझ नहीं पा रहे हैं। अरे प्रेम कुमार जी मतलब आप कहां लेके निकल गए, मुझे तो वो भी परिवारवाद है, मैं माफी के साथ कर रहा हूं सर, आप या तो आप विषय को समझ नहीं पा रहे, परिवारवाद होता है। आज मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, आप एक गिलास पानी पीजिए, पहले इसको समझिए कि परिवारवाद की डिबेट है क्या
उसके बाद प्लीज क्षमा के साथ ब्रेक ले रहा हूँ, बहुत जरूरी मेरे लिए ब्रेक, बहुत जरूरी ब्रेक, तुरंत लौट के आते हैं। चर्चा हो रही है कि क्या होने वाला है 24 में। अभी हमने एक आपको इप्सॉस का सर्वे भी दिखाया मोदी जी की, रेटिंग रिकॉर्ड तोड़ पहुंच गई भाई, 75% से ऊपर तो निकल गई एवरेज में। और जोन वाइज आप देखेंगे नॉर्थ जोन में तो बहुत ही सॉलिड सुपर सॉलिड रेटिंग उनकी हो गई और करंट रेटिंग 75% है। तो इसके मद्देनजर भी 24 में क्या होने वाला है इस पर बातचीत कर रहे हैं। आज हमारे पास चार मेहमान हैं, मैं ईमानदारी से पहले बता दे रहा हूँ हमारे पास सिर्फ 12 मिनट हैं, मुझे उसके बाद ब्रेक लेना, तीन तीन मिनट आप सबके हैं, मुझे एक सेकंड भी नहीं चाहिए। मलिक साहब से शुरू करते हैं। मलिक साहब, ये जो परिवारवाद की डिबेट चल रही थी अभी आपने सुनी भी होगी, कैसे आपके यहाँ इलाके में कैसे इसको लोग लेते हैं, आप क्या परसीव करते हैं? नहीं धीरज जी, अगर आप देखेंगे परिवारवाद के बिना राजनीति अधूरी है। आप जम्मू कश्मीर से शुरू कर दीजिए और तमिलनाडु तक चले जाइए, मुझे एक एक नेता का नाम गिनवाने की जरूरत नहीं है। 22 परिवार सर, मैं ऐड अप कर देता हूं, 22 फैमिली है जो पूरे देश की राजनीति को कंट्रोल करती है। नहीं, दूसरा जिस बात जो मेरे आप एरिया की बात कर रहे हैं वेस्टर्न यूपी की, आज जो जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को उनमें फायदा दिखा है, तो जयंत चौधरी को ऐसे तो है नहीं कि वो किसानों के बीच में पैदा हुए हैं और उनकी खूब रगड़ाई हुई है तब जाके वो नेता बने हैं, तो वो भी तो एक परिवारवाद का ही हिस्सा है। आज उनकी तीसरी पीढ़ी राजनीति कर रही है, चौधरी चरण सिंह जी राजनीति में आए थे, और चाहे आप मुलायम सिंह की बात करिए, अखिलेश यादव इतनी कम उम्र में मुख्यमंत्री बन जाना, क्या वो अपनी काबिलियत पर बने हैं? वो कहीं ना कहीं परिवारवाद का मामला है। दूसरी बात, आप ये एक इतना लंबा इशू है कि इस पर आप 4 घंटे बहस कर सकते हैं। तो राजनीति में परिवारवाद से बचना ये बहुत मुश्किल है और इसके बिना राजनीति नहीं हो सकती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में दूसरे पार्टियों के मुकाबले परिवारवाद कम है, नहीं है मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन कम है ये जरूर बात माननी पड़ेगी हमें। आप कांग्रेस की ही बात करें, आज देखिए गांधी परिवार का व्यक्ति अध्यक्ष नहीं है, लेकिन अगर आप देखें सारी कमान तो राहुल गांधी के हाथ में ही है, यात्रा तो राहुल गांधी की हो रही है, खड़गे की यात्रा तो हो नहीं रही है। तो ये आप कुछ भी कहिए, परिवारवाद से राजनीति बच नहीं सकती। और अधिकतर जो विपक्षी दल है, आज आप जो मंत्री की शपथ ली है राजभर ने, अब वो राजभर ने मेहनत करी, एक अपना जो है अस्तित्व खड़ा किया राजनीति का, और उनके बेटे अरुण राजभर है, उनको तैयार कर दिया, उन्होंने अगली पीढ़ी करेगी। तो आप अमिताभ बच्चन का बेटा हीरो नहीं बनेगा, सचिन तेंदुलकर का बेटा क्रिकेटर नहीं बनेगा, ये तो उसको दिखा के करके कुछ दिखाना पड़ेगा, नहीं दिखाएगा तो नहीं हो पाएगा। मलिक साहब, राजनीति में सब चल जाते हैं। मलिक साहब आपने बहुत राजनीति परिवार बढ़िया बात कही है, बहुत सही बात आपने कही है। परिवारवाद ऐसा कोई बंदिश नहीं है कि फलाने जी नेता है तो उनका बच्चा नेता नहीं हो सकता, लेकिन घिसना पड़ेगा। आपने उदाहरण दिया बॉलीवुड का, कौन से बहुत बड़े स्टार बन गए, अभिषेक बच्चन या अर्जुन, सचिन के लड़के बहुत बड़े क्रिकेटर बन गए क्या? टैलेंट होगा तो आगे बढ़ोगे। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत परिवारवाद चलता है, यहाँ पे बहुत नेपोटिज्म चलता है, लेकिन वो 2-3 फिल्मों के बाद फिर धरसाई हो जाते हैं, एक से एक दिग्गज डायरेक्टर के लड़के कुछ नहीं कर पाए। तो अरुण राजभर अगर घिसेंगे तो नेता बनेंगे, लेकिन आप सोचो कि हम ऊपर से आ जाए ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के और सीधे पार्टी के अध्यक्ष बन जाएं। मेरा सवाल ये है, अब संजय जी के पास जा रहा हूँ, समय कम है मेरा, क्या ये प्रवृत्ति धीरे धीरे पॉलिटिक्स में कम हो रही है कि पिताजी थे तो हमको भी जनता वैसे स्वीकार कर लेगी, घिसना पड़ेगा अभी? देखिए नीरज जी, थोड़ा स्टार्टिंग पॉइंट एडवांटेज मिल जाता है आप अगर, चूंकि जो पार्टियां टिकट देती हैं तो आजकल ये भी चला है पार्टी इंटरनल सर्वे में बोलती है कि भाई आपका आधार क्या है, पारिवारिक विरासत क्या है, बट उसमें देखिए बड़ा कसौटी पे मापा जाता है कि परिवार से है तो कुछ एडवांटेज है या नहीं, अगर नहीं है एक बार मिल भी गया तो आप फट जाएंगे। तो पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिक्स में आए ये परिवारवाद नहीं, परिवारवाद ये है कि एक परिवार हमेशा उसकी धुरी बन के बैठा रहे। अब आप देखिए लालू जी का जो परिवारवाद है उसमें रामकृपाल यादव जैसे बड़े नेता जो शुरुआती दौर से उनके साथ थे वो छोड़ के जाते हैं, उत्तर प्रदेश में तो चाचा शिवपाल ही वो छोड़ के चले गए थे, अभी फिर आ गए हैं, तो आप देखिए स्थिति कहां तक है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, इसकी पॉपुलर परसेप्शन बिहार में या यूपी में कैसा है? एक खास जाति में तो निश्चित तौर पर आप एक कैप्टिव वोट की तरह बांध लेते हैं, जो दुर्भाग्य है यूपी और बिहार का। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, जब आप परिवार, ये भस्मासुर वाली बात है जो लालू जी ने की, शादी हर किसी का निजी मामला है, लेकिन जब आप पारिवारिक तौर पे सामाजिक न्याय, जाति विहीन लोहियावादी राजनीति की बात करते हैं, तो लोहिया ने तो रोटी और
बेटी, इन दो के मतलब सामाजिक परस्पर सामंजस्य की बात की थी। 7 बेटियां हैं लालू जी को, यादव परिवार यूपी में हरियाणा में ढूंढ ढूंढ के अरेंज मैरिज उन्होंने करवाया है, एक भी गैर यादव से शादी नहीं करवाया। अब देखिए ये व्यक्तिगत मामला है, लेकिन आपने अरेंज मैरिज करवाया और आप लोहियावादी जाति विहीन सामाजिक न्याय के पुरोधा है, एक आध उदाहरण तो दे देते कि आप उसको कर रहे हैं। उसके बाद जब आप परिवारवाद को बिल्कुल भस्मासुर की तरह अपने जिसकी बैड मेमोरी है, जो अवगुण है, उसको सद्गुण के तौर पे करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये बूम रैंक करेगा, और जो अभी हुआ है। तो ऐसी स्थिति में देखिए ये परिवार ही चलाएगा ये चीज। एक नई पीढ़ी जो है, जो मंडल के बाद आई है या जो काशीराम के बाद आई है, अब वो मायावती ही दलितों को कैप्चर करके रखेंगी और लालू जी और मुलायम सिंह ही अखिलेश ही चलाएंगे। धीरे धीरे देखिए डिग्रीज में ही सही कम हो रहा है और ये चीजें अब पूरे देश में कम होंगी। आप परिवार से आते हैं, आपके फादर मदर पॉलिटिशियन है, आपको इनिशियल थोड़ा एडवांटेज मिल जाएगा, लेकिन आप विरासत के केंद्र में नहीं रहेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और ये चीजें अब आ रही, ये चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। आपने 2-4 उदाहरण दिए, तो इधर महाराष्ट्र में देखिए आप, बाला साहब ठाकरे जब तक थे तब तक राज ठाकरे बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, लेकिन उन्होंने भी अपना उत्तराधिकारी उद्धव जी को चुना। मायावती जी को जो विरासत मिली थी काशीराम जी से, उन्होंने आनंद जी को सौंप दी, भतीजे को। ये कौन सा सामाजिक न्याय लड़ा जा रहा है रामकृपाल जी? मैं इसी की बात कर रहा हूँ, मतलब ये इंडिविजुअल छोड़ देते, एग्जाम्पल के लिए हम लोग बता रहे हैं। मुझे लगता है इस प्रवृत्ति पे अब बहुत धीरे धीरे क्षरण हो रहा है, जो सज्जन कह रहे हैं ना कि अब डिसअप्रूवल है इसमें। आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपने घिस घिस के अपने आप को इतना बड़ा बना लिया कि आप पिताजी से बड़े नेता हो गए, तो बन जाए, कोई दिक्कत थोड़ी, पब्लिक अप्रूवल चाहिए आपको। नीरज जी, राम कृपाल जी इस पे रोशनी डालेंगे। चंद्रशेखर का और नीरज शेखर का एग्जाम्पल आपके सामने है, बिल्कुल। कहां चंद्रशेखर, कहां नीरज शेखर, देखिए। एग्जैक्टली, देखिए नीरज जी, ये कोई बहस इस पे मुझे लगता है कि ऑलरेडी जनता ने, जैसा भी हमारे उबाई सज्जन जी ने कहा था, कि परिवार में आने का एडवांटेज ये होता है कि आप जैसे मान लीजिए कोई सितार वादक है, उसका बेटा सितार बनाना, वो थोड़ा सितार से ज्यादा परिचित हो जाता है बनस्पत दूसरों के। लेकिन अगर रविशंकर की बेटी रविशंकर के बराबर सितार नहीं बजा पाएगी तो दूसरा कोई आएगा। अल्लाह रखा का बेटा, अगर अल्लाह रखा बस इतने ही को तबला मिल जाएगा, अखाड़े में आप उतर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपका जो काम है वही आपको आगे पीछे ले जाएगा, चाहे बॉलीवुड हो चाहे पॉलिटिक्स हो। मैं एक बात कह दूं नीरज जी, बहुत कम समय है, हम लोग जब बहुत सारी बातें करते हैं, मोदी जी 10 साल रहे, लेकिन यथार्थ पर कोई नहीं आता है उनका काम। अब आप एक चीज देखिए नीरज जी, याद कीजिए आप भी, 20 साल पहले हमारे पिताजी सुबह उठते थे सो करके, और रात को जब बिस्तर पे जाते थे, उनके जितने भी सरोकार होते थे, जितने भी सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉन्ट्रडिक्शंस थे, क्या थे, ग्राम प्रधान, उसके बाद लेखपाल, उसके बाद तहसीलदार, जिलाधिकारी, थाने में सिपाही, वहां से लेकर के मतलब कुल मिला के ग्राम सभा, अपना आप ये कहिए कि जल तहसील, थाना, जिला और राज्य मुख्यालय, यानी उसके सारे सरोकार हमारे पिताजी के, हमारे सिर्फ राज्य सरकारें थी। आज की तारीख में देखिए, सेंटर का मतलब सिर्फ माना जाता था पोस्ट ऑफिस और रेलगाड़ी, वही माना जाता, वही केंद्र दिखाई पड़ता था। आज की तारीख में एक महिला जो छोटी जात की महिला है, इज्जत घर से रसोई घर, ये दोनों उसके नाम है, और जहां भी जाती है हर समय सुबह से उठ करके हर जगह उसको मोदी जी दिखाई पड़ते हैं। इज्जत घर मोदी जी, रसोई घर मोदी जी, रसोई घर में राशन मोदी जी, जो छत उसको मिली हुई है मोदी जी, सिलेंडर मिला है मोदी जी। मोदी जी ने स्टेट को रिप्लेस कर दिया है। आप गांव गांव में जाइए, मिट्टी के मकान की जगह छोटा ही मकान सही पक्का मकान बन गया है। जब हर कदम पर हमें अब स्टेट नहीं सेंटर दिखाई पड़ रहा है, सड़क पर चलते हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना जी, रामकृपाल जी सर, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं क्योंकि समय एकदम कम हो गया है मेरे पास, ये इस पे तो कोई सर डिबेट ही नहीं है। 10 सेकंड में सर, इज है फिनोमिनल।
और बाकी कुछ भी कहते रहिए। इसलिए मोदी को जो है आज मेहनत का नकल करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत बहुत डिफिकल्ट है सर। इस पे कोई डिबेट नहीं, कोई बहस हो ही नहीं सकती इस पे। जो काम उन्होंने किए ना 10 साल में, उस पर कोई बहस नहीं हो सकती, क्योंकि वो डेटा बैक्ड है। आप घूम के खुद देख लो, आप सड़क पे चले जाओ देख लोगे आप, उसमें हमारी या प्रेम कुमार जी की सुनने की जरूरत नहीं। प्रेम कुमार जी, आप हालांकि बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी 30 सेकंड आपको, जो कि क्लोजिंग हमें लेना सबसे, एक 30 सेकंड आपके सर। परिवारवाद बदल देता हूँ, रामकृपाल जी का जवाब थोड़ा सा दे देता हूँ, जो उन्होंने उदाहरण रखा है। 30 सेकंड सर, बस उसी सेकंड में कह रहे हैं। इज्जत घर बन गया लेकिन पानी नहीं है, जाके देखिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आपको रसोई घर में गैस है कि नहीं आप देखिए, 50% के करीब में संख्या है जो कि 2 बार सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं। और ये तमाम चीजें, अब सबके घर में छत है, कभी 2 करोड़ का आंकड़ा बताते हैं, कभी 3 करोड़ का आंकड़ा बताते हैं, आंकड़े भी विश्वसनीय नहीं है कि इस तरीके से ये केवल ये कह देने से ये इंस्टीट्यूशन हो गए और सब कुछ हो गए, दावे रखने से नहीं चलेगा। ये केवल परसेप्शन बनाया जा रहा है कि जी जी जी। प्रेम जी रोकता हूँ मैं, आप एक करेक्शन खाली आपके डेटा में कर दूं, रिफिल सिलेंडर का एवरेज 73% है, ये सरकार का आंकड़ा नहीं, प्राइवेट एजेंसी का, आप चेक कर लीजिएगा। 73% लोग रिफिल करते हैं, एंड 73% अगर किसी, सुनो अब सब समय खत्म हो रहा है मेरा, एक बार या दो बार जो रिफिल कराते हैं, जिनको उज्ज्वला मिली है रिफिल, समय जब कह रहा हूं तो बार बार कराते हैं, दो बार नहीं बार बार कराते हैं, 73% का स्ट्राइक रेट इकोनॉमिक सेंस में बहुत बड़ी सक्सेस माना जाता है। सर अब समय खत्म हो गया प्रेम जी, हम लोग किसी ने सिर्फ करेंगे, अभी तो चुनाव शुरू ही हुआ है। एक बात खाली बोल देना चाहता हूँ, जाते जाते जो कि अप्रूवल रेटिंग आई है, 15 साल स्वयं सेवक रहे हैं वो, और ज़्यादा ही बचपन से थे, 15 साल वो पार्टी संगठन में रहे हैं, और पिछले 22 साल से वो सत्ता में है। तो ये जो 50 साल का कॉम्बो एक्सपीरियंस है ना, ये मैटर करता है, इसलिए इस तरह की अप्रूवल रेटिंग आती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।